मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज देखें हैं कि एक लेटर जो इशू किया गया है, जब बहुत सारे लोगों का चालान कटने लगा, जब अकेले भी बाइक पे सवार हैं फिर भी चालान, कार में बैठे हैं मास्क नहीं लगाए तब भी चालान, जब अकेले हो तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, इसको सब चालान काट रहे हैं, तो इसीलिए लेटर जारी किया गया। दूसरा, आप न्यूज में भी देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर ने भी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है, उन्होंने भी क्लेरिफाई किया कि चालान नहीं काटा जाए, जब व्यक्ति सिंगल हो या अकेले ड्राइव कर रहे हो तो उसका चालान नहीं कटना चाहिए। तो कोरोना के नाम पर जो धंधा चल रहा है देश और दुनिया में, इसको आप देखें, ज़्यादातर इंडिया ही में चल रहा है इसका धंधा। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा न्यूज वाले बता रहे हैं, देखा रहा है, देखने में आ रहा है, और मौतें बहुत ज़्यादा आजकल दिखाई जा रही है। जो मौतें हो रही हैं वो दूसरे कारणों से हो रही है, अलग अलग दवा खिला देने के कारण हो रही है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण मौत हो रही है। जबकि बहुत सारे रिसर्चों ने फाइंड आउट किया है, पता किया है कि कोरोना से मौत जो है 0.001% है इसका मोर्टेलिटी रेट, मरने की संभावना बिल्कुल कम है कोरोना से। लेकिन तो मौतें जो हो रही है वो कोरोना से नहीं, दवा के साइड इफेक्ट से हो रही है। जो इतने खतरनाक दवाई खिलाए जा रहे हैं कोरोना के नाम पे, जैसे कि एड्स की दवा है, मलेरिया की दवा है, बहुत ही डेंजरस होते हैं लीवर के लिए और सारे ऑर्गन्स के लिए। तो जो व्यक्ति तो हेल्दी है उसका तो सस्टेन कर लेता है बॉडी, उसे सहन कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति पहले से वीक है वो सहन नहीं कर पाता और वो बेचारा अपनी जान गवा बैठते हैं, और सब लोग सोचता है कि कोरोना ने इसकी जान ले ली, जबकि डॉक्टरों ने इसकी जान ली। अब समय आ गया है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और एक बड़ा संगठन का निर्माण करें। जो भी ग्रुप, जो भी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप उस संगठन से मिलकर एकता बनाकर इस पूरे जो षड्यंत्र चल रहा है, जो बड़ा खेल चल रहा है लूटने का, इसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अकेले ये काम नहीं हो सकता। इसीलिए एक संगठन बनाए और जो संगठन इसका विरोध करे उस संगठन से जुड़कर एक बहुत बड़ा संगठन बनाए विश्व लेवल पर, और इस खेल को यहीं समाप्त कर दिया जाए। बहुत लोग वैक्सीन का निर्माण सिर्फ लूटने के मकसद से कर रहे हैं, इसे जान बचाने को किसी की नहीं पड़ी है, सबको बस लूटने की पड़ी है, तो लूटने के लिए कर रहे हैं। ऐसा पूरे मानव समाज के सामने बहुत बड़ी संकट आने वाली है इन फ्यूचर, यदि आप अभी भी नहीं जाग पाए और इन षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए तो आप समझें इसको, क्योंकि ना ही कोई एविडेंस है, ना ही कोई प्रूफ है कि वो किट सही बताता है, क्योंकि किट का जो मैनुअल है उसमें खुद लिखा हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि सही बताएगा कि नहीं बताएगा, फिर भी लोग उसी का यूज कर रहे हैं, और जिसको नहीं भी कोरोना है उसको भी जबरदस्ती जांच करवाने पे मजबूर कर रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं, और जांच करवाने के बहाने 14 दिन 15 दिन क्वारंटाइन किसी को हॉस्पिटल में ले जाकर खूब लूट रहे हैं, और उसकी जान लेकर उसके ऑर्गन्स को भी बेच दिया जा रहा है, अलग अलग देशों में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ऑर्गन का भी बहुत बड़ा बिजनेस इसके, इसमें एक ही साथ बहुत तरह का बिजनेस इन्वॉल्व है, एक ही साथ बहुत तरह का बिजनेस इन्वॉल्व है, चाहे ऑर्गन को निकाल कर बाहर बेचने से रिलेटेड हो, या वैक्सीन के नाम पर पूरे जनता से पैसे ऐंठने या सरकार से पैसे ऐंठने पर केंद्रित हो, तो हर तरह का एक प्लानिंग, बहुत जबरदस्त प्लानिंग किया गया हुआ है, और इसमें WHO अवश्य ही शामिल है, और सारे मिलकर पूरे दुनिया को लूटना चाह रहा है। लूटने के साथ साथ इससे लोग बहुत हद तक गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा वैक्सीन आएगा जिसमें चिप रहेगा, और चिप फिर एक आदमी के कंट्रोल में आ जाएगा, हर व्यक्ति उसी के कंट्रोल में, जो भी थोड़ा इधर उधर आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा एक ट्रिगर दबाते ही वह व्यक्ति ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि चिप लेवल में बॉम्बिंग करना बहुत आसान होता है, बहुत ही एक बटन ही काफ़ी है उसे विस्फोट करवाने के लिए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा संगठन का निर्माण कर ये जो धंधा है इसको तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और लोगों को फिर जो
सब नहीं दिए जाते हैं, उसका कारण भी यही है। तो दोस्तों, इस रिसर्च को पूरी तरीके से जानने के लिए जो अमेरिका में रिसर्च किया गया बहुत सारे लोगों पे, और इस रिसर्चर क्या कह रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो अमेरिका में रिसर्च हुआ, उसमें पता चला है कि इसे मौत नहीं, इससे मौत बिल्कुल भी नहीं होती। यह एक षड्यंत्र है जो बहुत बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है, इसे अमेरिकन रिसर्चर ने खुद क्लैरिफाई किया।